नमस्कार, बियॉन्ड अबेकस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मुगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस, मतलब कि गणित सिर्फ कैलकुलेशन से बहुत कुछ ज़्यादा है। यह एक सोच है, यह काम करने का तरीका है जो आपके रोज के काम बहुत आसान बनाता है, और इसीलिए हमने इसका नाम रखा है बियॉन्ड अबेकस। और इसीलिए हमारी सारी सीरीज ये जो बन रही है वीडियोस की, ये हमने हिंदी में रखी है ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका फायदा मिले। ये जो सीरीज है एमसीसी, जिसका नाम है मैथ्स कोर कॉन्सेप्ट्स, इसमें आज हम देखेंगे डेटा हैंडलिंग 2। डेटा हैंडलिंग 1 हम कर चुके हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वैसे इस पूरी सीरीज में हमारा प्रयास है कि अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और रीजनिंग, इनके जो कोर कॉन्सेप्ट हैं, जो मूल अवधारणा हैं, उनको हम बिल्कुल ही एक नॉन टेक्निकल भाषा में आसानी से समझाएं, ताकि आपको वो समझ में आए और अधिक से अधिक लोगों को गणित के प्रति रुचि विकसित हो। ये हमारा इसमें प्रमुख उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं डेटा हैंडलिंग 2 में हमारे पास क्या है। टेबुलेटेड डेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आज हम ये देखेंगे। तो टेबुलेटेड डेटा मतलब सीधा जैसा नाम में लिखा है, टेबुलेटेड डेटा जो टेबल बना के दिया हुआ हो, जैसे कि कोई भी एक टेबल हम बना लेते हैं, टाइम टेबल हो गया वो भी टेबुलेटेड डेटा है, आपके रिपोर्ट कार्ड हो गया वो भी टेबुलेटेड डेटा है, कोई भी आप डेटा ऐसा ले लीजिए। लाइन्स आर नॉट वेरी गुड, ठीक है, लेकिन कंसेप्चुअली विल बी गुड। फिर इसके सब सेक्शन भी हो सकते हैं, मान लीजिए इसमें मेल फीमेल हो गया, ऐसा कुछ भी मान लीजिए इसमें हमने मेल, एक बार इसमें कर देते हैं, मान लीजिए मेल फीमेल ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये टेबुलेटेड डेटा है कि पूरा डेटा जो है वो एक टेबल के अंतर्गत डाला गया है, टेबुलेटेड डेटा। इसका सबसे क्लासिक या बढ़िया एग्जाम्पल होता है जिसको हम कहते हैं सेंसस। सेंसस क्या होता है, जनगणना होती है, हर 10 साल में पूरे देश की जनगणना होती है। जनगणना मतलब कहने को जनगणना है, लेकिन उसमें भेड़ बकरी वगैरह भी, घोड़े गधे कितने हैं, सब गिना जाता है, तो उसको जनगणना या सेंसस कहते हैं, ताकि उसके बारे में देश के प्रति जानकारी रहे कि कितने लोग हैं। तो वो पूरा डेटा टेबुलेटेड रहता है, ऐसे वॉल्यूम्स रहते हैं बड़े बड़े उसके, जो कि नेशनल सैंपल सर्वे हुआ उसका भी डेटा रहता है, ये सारा डेटा कहलाता है टेबुलेटेड डेटा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ फ्रिक्वेंटली, मतलब कितनी बार। जैसे कि हम मान लीजिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, कोई 25 मार्क्स का टेस्ट लेते हैं, और इसमें मान लीजिए 5 स्टूडेंट हैं जिनको इतने आए, 10 को इतने आए, 15 को इतने आए, फिर 8 को इतने आए और 4 को इतने आए, तो ये स्टूडेंट, तो ये जो है ये दिस दी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कि फ्रीक्वेंटली कितने फ्रीक्वेंटली हुआ, कितनी बार हुआ। तो 0 से 5 कितने को आए, 5 लोगों का है, 5 से 10 कितने लोगों का है, 10 लोगों का है, ये इसका टेबुलेटेड डेटा का उससे संबंधित है कि फ्रीक्वेंसी होता है। कई बार अनटेबुलेटेड डेटा की फ्रीक्वेंसी होती है, मान लीजिए हमने एक 5 मार्क की टेस्ट लिया, ठीक है, और 15 स्टूडेंट है क्लास में, तो 4 जनों को इतने आए सपोज, फिर अनदर 5 को इतने आए, 3 को इतने आए, वगैरह वगैरह। तो ये फ्रीक्वेंसी होता है कि यू आर हैविंग हाउ फ्रीक्वेंटली, कितनी बार वो आया। हिस्टोग्राम उसी से संबंधित है। हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है कि जो आपका डेटा है उसको ऐसा हम टेबुलेटेड करते हैं, जैसे आपने अक्सर देखे होंगे कंपैरिजन के चार्ट्स, ये ऐसा कुछ डेटा है और ऐसे चार्ट्स होते हैं, ऐसा कि कोई सडनली ऐसा ऊपर चला जाता है, सो दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। इसकी खासियत क्या होती है कि खासियत ये होती है कि ये जो विड्थ है ये हमेशा सेम रहेगी, ये सेम रहेगी, ये अलग अलग रहेगी, ये जैसा जैसा डेटा होगा वैसे रहेगी। इसको अलग अलग कलर से भी डिनोट करते हैं फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट डेटा, बट दिस इज व्हाट इज नॉन एज
इज टू ग्राम, एक टेबुलेटेड डेटा होता है जो इस तरह से। उसके बाद एक नया कंसेप्ट होगा शायद आप लोगों के लिए, इसको ओजाइव या ओगीव दोनों नाम से बोलते हैं, तो आई विल यूज द वर्ड ओगाइव एंड ओजीव इंटरचेंजेबली। इसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें क्या होता है, एक लेस देन कर्व होता है, मान लीजिए एक ऐसा बनता है ग्राफ, ये आपका ग्राफ बनता है, और फिर एक बार बनता है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है यहाँ पे, मान लीजिए 0 to 5, 5 to 10, ऐसे करते करते मान लो आप आगे 45 to 50, बहुत बड़ा सा डेटा आपने ले लिया। अब लेस देन जीरो कितने हैं, तो लेस देन जीरो तो ये ऐसा बनेगा चार्ट, यहाँ पे आएगा जीरो आपका, तो यहाँ पे आएगा हाईएस्ट वैल्यू 50। फिर मोर देन जीरो कितने हैं, तो फिर ये मोर देन जीरो सारे ही हैं, ये ऐसा चार्ट इस तरह का बनता है, और ये जो पॉइंट होता है दिस कॉल्ड द मीडियन, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये होता है लेस देन और मोर देन और गिव। तो ये हमें क्या करता है, ये हमें एकदम देखते से ही कंपेरिजन आ जाती है कि पूरे डेटा के क्या हाल है, कि अधिकतर लोग किस साइड है, ये हमको एकदम देखते से ही समझ में आ जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल ग्राफ। एक होता है स्क्यूड डेटा, स्क्यूड डेटा, स्क्यूड का मतलब होता है टेढ़ा, विच इज नॉट स्ट्रेट। स्क्यूड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका डेटा है, ये मान लो हम आई क्यू स्कोर कर रहे हैं, सपोज आई क्यू स्कोर कर रहे हैं, तो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो आई क्यू स्कोर मिनिमम मान लीजिए आप 80 से स्टार्ट करते हैं, वैसे होता नहीं है 80, बट फिर भी चलो 80 से मान लेते हैं, और आप 160 तक चले गए। अब मैं इसको दो अलग अलग कलर से बनाऊंगा, उसकी वजह भी बताऊंगा। एक तो मान लो डेटा ऐसा आ गया, ठीक, और एक डेटा आपका आ गया ऐसा, तो अलग कलर से बना लेते हैं, लेकिन ये रिमूव, ठीक है, एक रेड कलर यूज कर लेता हूं। एक डेटा आ गया आपका ऐसा, क्यों, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये वाले, ये मान लीजिए आप ऐसी स्कूल में जा रहे हैं विच आर चैलेंज स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप ऐसी स्कूल में जाते हैं विच आर इंटेलेक्चुअली चैलेंज, तो क्या हो रहा है, देखिए अधिकतर स्टूडेंट 80 के आसपास, मतलब लोअर आईक्यू है, और ये मान लो आप पहुंच गए इसके बाद में IIT, तो IIT में क्या होगा, अधिकतर स्टूडेंट बहुत हायर आईक्यू के होंगे, तो इसको बोलते हैं स्क्यूड डेटा। ये डेटा एक तरफ झुका हुआ है, इट इज कॉल्ड स्क्यूड डेटा। ये इसका एक और तरीका होता है डेटा समझने। तो अभी हमने देखे बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे कंसेप्ट समझने की कोशिश की, अब और देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, ये सबसे ज्यादा होता है, ये इसका बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल्स अपन देख सकते हैं। ये ऐसा होता है, बेल शेप कर्व भी कहते हैं इसको, नॉर्मल शेप कर्व भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा ये होता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये जितने रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस होता है वहाँ पे ये यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि आपको एक एवरेज, मान लीजिए आप किसी भी दुकान में चले जाते हैं, आप जीन्स लेते हैं, तो क्या बोलता है आपका वेस्ट साइज कितना है, देख के आपको जीन्स दे देता हूँ, जो कि अधिकतर केसेस में फिट बैठती है, क्यों, क्योंकि इंडिया का उनको डेटा पता है कि अगर इंडिया के व्यक्ति की वेस्ट इतनी है तो उसकी पाँव की लंबाई कितनी होगी। या आप शर्ट लेने जाते हो, कुछ भी आप शूज लेने जाते हो, आप चश्मा लेने जाते हो, चश्मा लेने आप जाते हो, तो क्या बोलता है वो, पूरे इंडिया का डेटा उनके पास है, मतलब आइडिया है उनको कि भाई इंडियन लोगों का चेहरा कितना चौड़ा होता है, तो दे देते हैं आपको बराबर। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से होता है कि आपको, आप जो नॉर्मल है, मान लो ये होता है मीन, ये होता है मीन, और ये वेरिएंस होता है कि आप कितने कितने जा रहे हो। तो 99% ऑफ द केसेस जो होते हैं, 99% ऑफ द केसेस, उसको बोलते हैं सिग्मा लिमिट, सिग्मा लिमिट में आते हैं, इसकी और डिटेल में हम चर्चा करेंगे जब हम सीखेंगे। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कोई भी एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, कोई भी ऐसा डेटा होता है जो कि बहुत सारे बड़े बड़े लेवल पे डेटा है, मतलब बहुत बड़ा डेटा है, तो उसको वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ये उसका एक एग्जाम्पल मैंने बताया। और उसी के आधार पे सारे रेडीमेड गारमेंट बनते हैं, उसी के आधार पे जितने भी मास प्रोडक्शंस होते हैं वो नॉर्मल अजम्पशन को मान के होते हैं। इस तरह से हमने देखा कि डेटा कितने तरह के होते हैं, सिंपल से क्या होते हैं, और आपको भी कोई एग्जाम्पल्स याद आते हैं तो आप भी उसमें कमेंट में लिखिए, हमें बहुत खुशी होगी आपके एग्जाम्पल्स पढ़ के। साथ ही अगर आप चाहते हैं किसी नए टॉपिक पे लेसन लिया जाए तो हमें बहुत खुशी होगी, आप उसमें ज़रूर लिखिए। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ हम बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स भी आपके लिए बनाते हैं, उन्हें भी देखिए तो आपको गणित में बहुत और रुचि आएगी, ये मेरा आपसे सजेशन है। इसके साथ अगर आपको, आपके बच्चों को, आपके भाई बहनों को, आपके स्टूडेंट्स को, किसी को मैथ्स में बहुत सीरियस प्रॉब्लम आती है, मीन्स दे आर फेसिंग टू मच ऑफ इश्यूज इन मैथ्स, तो उसके लिए हम गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स नाम से एक प्रोग्राम करते हैं, जिसमें कि हम शर्तिया तौर पर उसका मैथमेटिक्स को इम्प्रूवमेंट करके आपको दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।